भारत मेक इन इंडिया को तो पुश दे ही रहा है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स में भी अपनी धाक जमाने में लगा है, और जिसके परिणाम भारत को अब दोनों ही मोर्चों पर दिखने लगे हैं। भारत ने जिस तरह आत्मनिर्भर भारत को गति दी है, उससे दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में भर भर कर निवेश कर रही हैं। साथ ही साथ जो कंपनियां चीन में थी, उसको भी स्थानांतरित करते हुए भारत में लाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, सब कोई भारत में ही दस्तक देने में लगी है। इसी के साथ ही भारत जियोपॉलिटिक्स में वो खेल कर गया है जो यूरोप अमेरिका को धुएं में उड़ाने के लिए काफ़ी है। ये तो आप जानते हैं कि हाल ही में यूरोपीय संघ ने रूसी तेल की कीमत पर 60 रुपये प्रति बैरल की कैपिंग लगाई है, लेकिन भारत ने इस कैपिंग का समर्थन नहीं किया। दरअसल तेल की कीमतों पर कैपिंग कर पश्चिमी देश तेल की वैश्विक कीमतों और आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के साथ ही साथ रूस के तेल राजस्व को कम करना चाहते हैं। भारत के इस कदम से रूस भारत को $60 प्रति बैरल से भी कम पर क्रूड ऑयल बेच सकता है, और यूरोप की ये दोहरी चाल अब उस पर ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल अब खबर यह है कि रूस आर्कटिक क्षेत्र से निकलने वाले कच्चे तेल की सप्लाई को छूट के साथ भारत को बेचना शुरू कर चुका है। बता दें कि पहले यही तेल यूरोपीय देशों को बेचा जाता रहा है, लेकिन पिछले महीने ही यूरोपीय देशों ने तेल खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई चेन दूसरे ग्राहकों की ओर मोड़ दी गई है। और पिछले सप्ताह भारत ने आर्कटिक क्षेत्र के हाई ग्रेड के क्रूड का पहला कार्गो रिसीव किया। 9 लाख बैरल के साथ ये कार्गो यूरोप और फिर स्वेज कैनल होते हुए 27 दिसंबर को भारत के कोच्चि पोर्ट पहुंचा था। ये तेल भारतीय कंपनी भारत पेट्रोलियम को सप्लाई किया गया था, और ये तेल भारत को आज तक नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि ये सारा उच्च गुणवत्ता वाला तेल यूरोपीय उठा लिया करता था, और अब यही अच्छा तेल सस्ते दामों पे आ रहा है, और इससे पेट्रोल और डीजल निकालना आसान होता हुआ दिखाई देगा। अब तेल की क्वालिटी अच्छी है तो भारतीय रिफाइनरियों का काम भी आसान हो जाएगा। इससे ये समझा जा सकता है कि भारत के लिए ये सौदा बहुत ही फायदेमंद है, और वहीं यूरोप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका है, और भारत रूस से आर्कटिक ग्रेड के तेल को भर भर के उठाने में लगा है, और उसका ये तोहफा भारत को बड़ी ताकत दे गया है।